हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी सागा। तो दोस्तों, सीएचएसएल के जो डीवी स्टार्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी डेट्स जो दी थी, तो एमपीआर रीजन के लिए भी उन्होंने अपने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आप एक बार एमपीआर रीजन के जो भी बच्चे हैं वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, जिन जिन बच्चों का किस डेट में डीवी है, और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कब से कब तक हैं। तो 5 से 14 जुलाई तक एमपीआर रीजन के एडमिट कार्ड्स हैं, या आपका हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाली है, ठीक है। और जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है कि एनआर और सीआर रीजन का कब होने वाला है डीवी, तो एनआर और सीआर रीजन, नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन के भी शेड्यूल इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे, और 2 तारीख से सभी लोगों के जो हैं डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो वो अलग अलग किसी जोन में, अगर वो जोन छोटा है उसमें बच्चे कम हैं तो उसके बीच में ही, जैसे इसमें 5 से 14 तक होने वाले हैं, एनआर बड़ा जोन है, सीआर बड़ा जोन है, तो हो सकता है उसके लंबे लंबे जाएँ जो भी है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हो सकता है पूरी जुलाई तक चलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आइए मैं बता देता हूँ कब से कब तक और क्या नोटिस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने जो भी एड्रेस वगैरह दे रखा है, और यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं 5 तारीख से ये स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और कब तक चलेंगे ये? तो ये चलने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट है वो चलने वाले हैं 14 तक, ठीक है। तो अभी जोन छोटा है तो इसलिए बच्चे भी थोड़े कम कम बुला रहे हैं, बट जैसे ही एनआर रीजन और सीआर रीजन के शेड्यूल आउट होता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरा जुलाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाला है। और जो एनआर और सीआर के एडमिट का या शेड्यूल का हो या एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, वो इसी वीक में, मैं कहूँ तो 28 तारीख से पहले पहले आप लोगों के शेड्यूल जारी हो जाएगा। 28 जून से पहले पहले आप लोगों का शेड्यूल जारी हो जाएगा और आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड दिख जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।